इस वीडियो में आज हम कक्षा 9 में अध्याय 8 गति इसका दूसरा भाग देखेंगे। पहला भाग हम देख चुके हैं। इसमें गति में हम वेग, चाल आदि के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे आज यहाँ पर त्वरण के बारे में। वेग आप पढ़ चुके हो, किसी निश्चित दिशा में इकाई समय में चली हुई दूरी को हम क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं, निश्चित समय में। तो उसी प्रकार यदि आप देखते हो ना कि कभी कभी वेग की जो दर है वो बदल जाती है, तो वेग में परिवर्तन की जो दर होता है उसको हम बोलते हैं त्वरण। वेग में परिवर्तन ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो त्वरण का सूत्र होगा वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय। अब हम पढ़ते हैं त्वरण के मात्रक। SI मात्रक का अर्थ मैंने पिछले वीडियो में बताया था। यहाँ वेग में परिवर्तन, वेग का सूत्र है मीटर प्रति वेग में चली हुई दूरी बटे समय, तो उसका जो मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। अब ये समय फिर दोबारा आ रहा है तो मीटर प्रति सेकंड वर्ग। तो ये चली हुई दूरी और समय दो बार है तो सेकंड वर्ग या ms-2। तो ये है त्वरण का मात्रक। अब त्वरण एक सदिश राशि है। यदि कोई वस्तु है उसका प्रारंभिक वेग u है, ये वेग है, और उसका अंतिम वेग v है और समय t है, तो हमें नापना है उसका त्वरण, औसत त्वरण। तो हम उसके अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को क्या कर देंगे? घटा देंगे और उसमें लगने वाले कुल समय से उसको हम भाग देंगे। तो त्वरण धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। यदि त्वरण वेग की दिशा में हो, उसकी जो वेग है वो बढ़ रहा है तो वो धनात्मक त्वरण, और वेग यदि विपरीत दिशा में हो तो हम उसे कहते हैं ऋणात्मक त्वरण। तो इस प्रकार मान लो कोई मोटर है वो 50 मीटर प्रति सेकंड चल रही है, 50 मीटर प्रति सेकंड, और मान लो वो अगले सेकंड 60 मीटर प्रति सेकंड चलने लगती है, तो उसका वेग त्वरण क्या हो गया? बढ़ गया। और यदि वो 50 मीटर प्रति सेकंड चल रही है और 30 मीटर प्रति सेकंड चलने लगे तो उसका त्वरण क्या होगा? ऋणात्मक। अच्छा, त्वरण शून्य भी हो सकता है। शून्य कैसे हो सकता है? यदि एक समान वेग से परिवर्तन हो रहा है तो उसका त्वरण शून्य भी हो सकता है। अब यहाँ पर जो गति होती है उस गति को हम ग्राफ के द्वारा क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो किसी भी वस्तु की जो गति है उसको प्रदर्शित करने के लिए हमें एक रेखीय ग्राफ पेपर आपने देखा है तो उसकी आवश्यकता होगी। उस पर हम एक भौतिक राशि पर उसको ग्राफ पेपर में दर्शाते हैं जो कि दूसरी राशि पर निर्भर रहती है। जैसे अपन दूरी या वेग का या समय का ग्राफ बना सकते हैं, तो यहाँ पर हम आपको एक ग्राफ बनाकर बतला रहे हैं, दूरी समय ग्राफ। यहाँ आप देखेंगे कि ये एक ग्राफ पेपर है और इस पर ये दो अक्ष हम मान लेते हैं। ये देखिए, इस मूल बिंदु से ये एक्स अक्ष और यहाँ से एक वाई अक्ष। तो जो एक्स अक्ष है यहाँ पर हमने मान लिया है समय, समय को हमने यहाँ माना है मिनट पर, और जो y अक्ष है वहाँ पर हमने मानी है दूरी। ये देखिए, दूरी किलोमीटर में, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, इस प्रकार आवश्यकता के अनुसार हम इनको मीटर सेंटीमीटर में भी बदल सकते हैं। तो समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन एक सुविधाजनक पैमाना अपनाकर हम दूरी समय ग्राफ द्वारा उसको व्यक्त कर सकते हैं। x अक्ष पर ये देख रहे हो ना आप, x अक्ष पर हमने समय लिया और y अक्ष पर ये दूरी लिया। तो यहाँ पर हम एक समान चाल वाला आपको ग्राफ बतला रहे हैं। देखेंगे कि जब कोई वस्तु समान दूरी समान समय अंतराल में तय करती है तब इसकी चाल क्या होती है? एक समान। तो ये देखिए, आप एक कुल सीधी तिरछी लाइन जा रही है तो समानुपाती है। यहाँ समय और दूरी एक दूसरे की क्या है? समानुपाती है। तो समय के साथ तय की गई दूरी का ग्राफ एक बिल्कुल सरल रेखा में हमें प्राप्त होगा। ग्राफ का ओबी भाग जान रहे हैं ना आप, ये ओ और ये बी,
बिल्कुल दर्शाता है कि दूरी एक समान दर से क्या हो रही है, बढ़ रहा है। यदि हमें वाई अक्ष पर विस्थापन का परिमाण तय की गई दूरी बराबर लेते हैं तो एक समान चाल के स्थान पर हम एक समान वेग को भी निर्धारित कर सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर कि मान लो हमें ये दो बिंदु ले हम ए और बी, चली हुई दूरी हमें ज्ञात करना है, समय के साथ ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, ए बिंदु से एक्स अक्ष के समानांतर हम क्या खींचेंगे, एक लाइन खींचेंगे। ये देखना है, ए से ये हमने ये एक्स अक्ष है, इसके समानांतर हमने देखो ये लाइन खींची। इसी प्रकार हम बी बिंदु से भी एक्स अक्ष के समानांतर एक ये लाइन खींचेंगे। आप देख रहे हैं ना, ये दोनों जो लाइन है एक स्थान सी पर मिलती हैं। देखिए सी पर मिलती हैं, ये हमने वाई अक्ष के और एक्स अक्ष के समानांतर दो लाइन खींची। ये यहाँ पर एक त्रिभुज बनता है ए बी सी। इस प्रकार हम समय और चली हुई दूरी को हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो एसी समय अंतराल, जो ए और सी है वो समय में अंतर है। आप देखिए ये यहाँ पर और ये यहाँ पर 40 और 60 के, ये देखिए 60 से थोड़ा कम है और ये 40 से ज़्यादा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं, यहाँ हम समय ज्ञात कर सकते हैं। ये T1 है और ये T2 है, तो T2 में से हम माइनस करेंगे T1 तो हमको समय ज्ञात हो जाएगा। और इस प्रकार चली हुई दूरी, ये ए बिंदु से जो हमने देखा था ये S1 दूरी है और ये S2, तो इन दोनों का बीच हम S2 में से S1 ये जहाँ पर भी निशान आता उसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगी चली हुई दूरी। इस प्रकार हम v बराबर, v मतलब वेग, चली हुई दूरी बटे समय। तो इस प्रकार देखेंगे आप, ये माइनस कर देंगे S2 ऋण S1 बटे T2 ऋण T1। इस प्रकार हम ये एक समान चाल से चलती हुई वस्तु के बीच दूरी और समय के बीच में हम ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। ऐसे हम वेग और समय का भी ग्राफ कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि गति के समीकरण, ये भी ग्राफी पद्धति से पूरे इनको सिद्ध किया गया है। देखेंगे कि कोई भी वस्तु सीधी रेखा में चल रही है और उसका त्वरण एक समान है तो निश्चित समय अंतराल में जो समीकरण के द्वारा हम उसके वेग और उसका त्वरण और चली गई दूरी तीनों में क्या कर सकते हैं, संबंध स्थापित कर सकते हैं, जिसे हम गति के समीकरण कहते हैं। तो पहला समीकरण है v बराबर u धन at, दूसरा समीकरण है s बराबर ut प्लस 1/2 at वर्ग, तीसरा है 2as, a यहाँ पर त्वरण है, s चली हुई दूरी है, बराबर v वर्ग माइनस u वर्ग। अब हम देखते हैं कि ये तीनों समीकरण के हम नाम देंगे। जब आप गणित हल करेंगे तो आपको इस प्रकार, ये जो पहला समीकरण है v बराबर u धन at, ये वेग और समय में संबंध बतलाता है, ये वाला समीकरण। और जो दूसरा वाला है समय और स्थिति, मतलब वस्तु पहले कहाँ स्थित थी बाद में कहाँ स्थित हुई, s चली हुई दूरी। तो इन समीकरणों को नाम दे दिया है। तीसरा समीकरण है वेग और स्थिति में संबंध बतलाता है। और u v s क्या है ये हम पहले भी बता चुके हैं, आप पुनः देखिए, u वस्तु का प्रारंभिक वेग, v अंतिम वेग होता है और a उसका एक्सीलरेशन त्वरण, t समय और s होती है उसकी चली हुई दूरी। गति है सरल रेखा में भी हो सकती है, वृत्तीय मार्ग में भी हो सकती है। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को हम क्या बोलेंगे, वृत्तीय गति। वृत्तीय गति भी हमारे दैनिक जीवन में आपने अनुभव किया होगा, आप झूला वगैरह झूले होंगे प्रदर्शनी में मेले में। तो यदि कोई ये वृत्त वाला मार्ग आप देखते हैं, यदि कोई वस्तु इस पर गति करती है तो जो वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2πr, इसका मान बिल्कुल निश्चित होता है। अगर कोई एथलीट दौड़ने वाला r त्रिज्या वाले
त्रिज्या समझते हैं ना, केंद्र से परिधि तक की, प्रति मार्ग पर एक चक्कर टी सेकंड में लगाता है, तो उसका वी जो उसका वेग होता है वो होता है 2πr/T। तो ये वृत्ताकार मार्ग में जो वेग है वो हमेशा बदलता रहेगा, क्योंकि उसकी दिशा क्या हो रही है, बदल रही है। आप देख रहे हो ना, वृत्ताकार मार्ग में दिशा कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ निश्चित, और वेग एक सदिश राशि है, तो वेग हमेशा वृत्ताकार मार्ग में क्या होता है, बदलता रहता है। आपने दैनिक जीवन में देखा पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ये भी वृत्ती गति है। चंद्रमा भी पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ये भी एक प्रकार की क्या है, वृत्ती गति। एक समान वृत्ती गति, जब वृत्ती पथ पर हम एक समान चाल से गति करें तो उसकी गति को क्या बोलेंगे, एक समान वृत्तीय गति। इस प्रकार हम देखते हैं कि वृत्तीय गति में दिशा हर क्षण क्या होगी, बदलती रहती है, क्योंकि और जो वेग होता है वो एक सदिश राशि है, तो उसकी दिशा भी बदलती है, इसलिए वो उसका वेग बदलता रहता है। धन्यवाद।